लंबे समय से आप सभी को इंतजार होगा, जो बिहार की जनता है वो इस उधेड़बुन में लगी हुई थी कि आखिर इन एक साल, लगभग एक साल में बिहार की राजनीति में क्या बदला, नीतीश कुमार ने क्या किया क्या नहीं किया, नीतीश कुमार की साखगिरी है या नीतीश कुमार जो है 2020 में उनके साथ हुआ था क्या 2021 में भी वही सब होगा। सिर्फ इन बातों की चर्चा हो नहीं चल रही थी, इसके अलावा ये भी चर्चा चल रही थी कि नीतीश कुमार को सत्ता से भी बेदखल कर दिया जाएगा। इन सारी बातों के बीच भारत लाइव ने सत्य शोध में आपको बहुत सारी बातें बताई थी। हमने खबरों के माध्यम से आपको बताया था कि जो स्थितियां हैं और जो परिस्थिति बनी है उस परिस्थिति में ऐसा नहीं लगता है कि नीतीश कुमार बहुत ज़्यादा बैकफुट पे है। हमने सत्य शोध में आपको कल ही बताया था, हमने कहा था कि परिणाम आने के बाद फिर हम आपसे बात करेंगे। आप खुटा ठोक देख लीजिए, पंचनामा देख लीजिए या फिर आप भारत लाइव देख लीजिए, ये तीनों ही चैनल पे लगातार आपको भारत लाइव ने जिस तरह से चीजों को रखा है आपके सामने उससे साफ स्पष्ट नजर आ रहा था कि भारत लाइव तथ्यों को ऐसे ही नहीं, वायस होकर के नहीं, बल्कि जमीनी हकीकत के साथ रखता है। कुशेश्वर स्थान का परिणाम आ चुका है, सिर्फ औपचारिकता बाकी है। और इस औपचारिकता के पहले हम आपको बता दें कि जीत हार का अंतर पिछली बार से बड़ा है, जबकि कई तरह की बातें की जा रही थी। खुद जो राष्ट्रीय जनता दल के आंख कान नाक और पूरा दिमाग कह लीजिए हैं तेजस्वी यादव, वो खुद वहां कैंप कर रहे थे। उनके कैंप करने के बाद एक बार भी ये बात वो नहीं कह पाए कि बहुत ज्यादा गड़बड़ी हो गई है, दुरुपयोग हुआ है वगैरह वगैरह, कुछ नहीं। सीधा जैसे ही परिणाम उनके पक्ष में नहीं आया, कुशेश्वर स्थान से सीधे वो पटना के लिए कुछ कर गए। और स्थिति यह है कि अब बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार के 16 साल के शासन का जो चर्चा है वो कोई करने वाला नहीं है। हालांकि जनता दल यूनाइटेड ने बहुत सारी बातें कही है और राष्ट्रीय जनता दल ने भी कहा है, हालांकि उनके चेहरे बता रहे थे शुरुआती क्षण में ही जब ये बातें सामने आई थी कि तीसरे और चौथे राउंड में कुशेश्वर स्थान में कहीं लीड ले रहे थे, तो उस समय शब्द और स्वर दोनों बदले हुए थे। भाई वीरेंद्र ने स्पष्ट तरीके से कहा था कि मुझे पूरा उम्मीद है कि हम दोनों सीटें जीतेंगे, लेकिन न तो तेजस्वी यादव ने दरभंगा और कुशेश्वर स्थान में कुछ कहने का जहमत उठाया और न इस परिणाम पर कोई अब तक उंगली उठाया। अब आगे विवेचना होगी और अपने लोगों को संतुष्ट करने के लिए क्या कुछ कहा जाएगा वो अलग बात है, लेकिन इतना तय है कि जितना ज्यादा तेजस्वी यादव मेहनत कर रहे हैं उनको मेहनत का फल नहीं मिल रहा है। इसके पीछे रणनीति क्या है, कारण क्या है, क्या तेजस्वी यादव अपनी उस रणनीति से बाहर निकल करके नहीं आए हैं? क्या क्रेडिट देने की बात जो चल रही है, क्या लालू प्रसाद को कोई क्रेडिट देना नहीं चाहता है? क्या लालू प्रसाद का समय समाप्त हो गया है? ये बहुत सारी बातें हैं और इन सारी बातों में कहीं ना कहीं एक बात तो तय नजर आ रहा है कि कुशेश्वर स्थान की जीत इस बात को दर्शा रही है कि नीतीश कुमार ने अपने जो वर्चस्व है, अपना जो कद है, उसे बरकरार रखा है। और ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि आने वाली राजनीति में कई साल अभी नीतीश कुमार बिहार और बिहार के साथ जुड़े रहेंगे। आने वाला समय बताएगा कि आगे की रणनीति क्या होगी, लेकिन कुशेश्वर स्थान की जीत इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि जो दाव और जो रणनीति चुपचाप रह करके नीतीश कुमार ने की है वो चुपचाप लालटेन छाप पर भारी पड़ी है। कुशेश्वर स्थान की औपचारिकता जैसे ही होती है फिर आपसे जुड़ेंगे हम। तारापुर में भी स्थिति टसन की चल रही है, जबरदस्त एक दूसरे को सहमत की बात चल रही है। और अभी तक जो 12-13 राउंड के मतदान की गिनती हुई है मतों की, उसमें आरजेडी आगे चल रहा है, लेकिन ये कितना लंबा चलेगा ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन अभी भी 28 राउंड की, माफ कीजिएगा, 28 राउंड की गिनती होनी है, अभी आधा पर पहुंचे हैं और उसके बाद क्या कुछ सामने निकल करके आता है हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। लगातार हम खबरों का विश्लेषण आपके साथ कर रहे हैं और ऐसे में जो परिणाम है वो कहीं ना कहीं भारत लाइव खूंटा ठोक के और पंचनामा के सत्य शोध के साथ अब तक मिलता नजर आ रहा है। कुशेश्वर स्थान में जीत, हमने कहा था कि नीतीश कुमार को हराना मुश्किल होगा। और भी विश्लेषण हम करेंगे अन्य जगहों पर, जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाए।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।